हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अन्नपूर्णा और आपका स्वागत है मेरे किचन में। आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, यम्मी, डिलीशियस शाही गुजिया या मावा गुजिया, जिन्हें बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है और खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट है। तो ऐसे टेस्टी मावा गुजिया या शाही गुजिया के लिए मैंने लिया है खोवा। ये 200 ग्राम खोवा है, फ्रेश खोवा है। उसके अलावा ड्राई फ्रूट्स में मैंने किशमिश, बादाम, काजू, पिस्ता इनका यूज़ किया है और कुछ इलायची ली है। ड्राई फ्रूट्स आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग कोई भी ले सकते हैं। उसके अलावा ये है एक कटोरी डेसिकेटेड कोकोनट, एक कटोरी शक्कर है और मैदा अराउंड 2 कटोरी है। उसके अलावा केसर और ये जो शक्कर है ये चाशनी बनाने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे, और घी आटा गूंथने के लिए भी और फ्राई करने के लिए भी। सबसे पहले मैंने लिया है मैदा और इसको मैं छान रही हूँ। आप चाहो तो गेहूं के आटे का भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद मैंने अराउंड 1 चुटकी जितना नमक डाला है और 2 टेबलस्पून घी डाला है। घी डाल के इसको मैं अच्छे से हाथ से मिक्स कर रही हूँ। ये प्रोसीजर मेन है, इसको अच्छे से मिक्स करना है, इसे रब करते हुए, और देखना है मुट्ठी बन रहा है या नहीं। अगर मुट्ठी बन रहा है मतलब आटा परफेक्ट है, मोयन परफेक्ट है। उसके बाद इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एक सॉफ्ट आटा बना के रेडी कर लेंगे। आटा बन गया है, अब मैं इसे आधे घंटे के लिए साइड रख दे रही हूँ सेट होने के लिए। तब तक हम बनाते हैं चाशनी। अभी मैंने एक पैन रखा है, उसमें मैंने डाला 1 कप शक्कर और अराउंड 1/2 कप मैंने पानी डाला है। पानी डाल के इसको मैं थोड़ा सा एक बार मिक्स करके अब इसका हम लोग चाशनी बना लेंगे। चाशनी हमें तार वाली नहीं बनानी है, जस्ट चिपचिपी चाशनी बनानी है। अब ये अराउंड बन गया है, इसमें मैं आधा अभी इलायची पाउडर डाल रही हूँ, बाकी मैं बाद में डालूँगी। अभी केसर को मैंने 2-3 टेबलस्पून पानी में भिगो के रख लिया था, उसको भी मैं डाल रही हूँ। चाहो तो आप डायरेक्ट केसर भी डाल सकते हो या येलो फूड कलर, या आप स्किप भी कर सकते हो। अब इसको मैं थोड़ा सा मिक्स करके गैस का फ्लेम मैं ऑफ़ कर रही हूँ। आप देख सकते हैं इसका कलर एकदम बढ़िया है। अब गैस का फ्लेम ऑफ करने के बाद आप देखना, ये ऐसे हाथ से चिपकना चाहिए, तार वाली चाशनी नहीं बनना है बस। उसके बाद इसमें हम लोग नींबू का रस डालेंगे। नींबू का रस डालने से इसमें क्रिस्टलाइजेशन नहीं होगा, मतलब ये चाशनी जमेगी नहीं। अब थोड़ा सा मिक्स करके इसको मैं रख रही हूँ साइड में। अगर हम लोग नींबू नहीं डालेंगे तो ये हार्ड हो जाएगा। अब मैंने रखा है एक पैन, उसमें मैंने थोड़ा सा घी डाला है। घी डाल के अब मैं इसमें डाल रही हूँ मावा। ये 200 ग्राम मावा है, मैंने घर के दूध से इसे बनाया। आप चाहो तो मार्केट का भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसको हमें मीडियम हाई फ्लेम पे अच्छे से भुनना है। भुनने से इसमें बहुत अच्छी खुशबू आएगी, टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। बहुत ज़्यादा नहीं भुनना है, बस थोड़ा सा भुनना है। अब ये भुन के रेडी है, मैं इसको निकाल रही हूँ प्लेट में। जैसे ये घी छोड़ना स्टार्ट करेगा हमें इसे निकालना है। उसके बाद सेम इसी पैन में मैं ड्राई फ्रूट्स को भूंज रही हूँ। ड्राई फ्रूट्स को मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। मैं किशमिश को नहीं भूंज रही हूँ, सिर्फ ड्राई फ्रूट्स को मैं भून रही हूँ। थोड़ा सा भून के अब मैं इसमें डालूंगी सूखा नारियल, डेसिकेटेड कोकोनट डाल के इसको भी मैं अच्छे से भून रही हूँ। इस तरीके से भूनने से जो गुजिया है उसका शेल्फ लाइफ ज़्यादा रहेगा। अब मैं इसको भी सेम उसी प्लेट में निकाल रही हूँ। अब इनको मैं ठंडा होने रख दूंगी। जब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा उसके बाद हम लोग आगे का स्टेप करेंगे। अब ये ठंडा हो गया है, अब मैं इसमें डाल रही हूँ किशमिश। किशमिश को मैंने नहीं भुना है, आप चाहो तो भुन भी सकते हो। डालकर अब मैं इसमें डाल रही हूँ इलायची, थोड़ा सा मैंने चाशनी में डाला था, बाकी का मैं इसमें डाल रही हूँ। उसके बाद पिसा हुआ शक्कर, शक्कर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना। और जब खोवा और ड्राई फ्रूट्स ठंडा हो जाएगा उसके बाद ही शक्कर डालना है। पहले अगर हम लोग गर्म गर्म में डालेंगे तो शक्कर पिघल जाएगा। अब इस तरीके से हाथ से इसको अच्छे से मिक्स करना है। अब ये मिक्स हो गया, मैं इसको रख रही हूँ साइड में। अब हम देखते हैं आटा। आटा काफ़ी अच्छे से सेट हो गया है। अब जितना आपको गुजिया बनाना है, जिस साइज़ का, उसके अकॉर्डिंग हम लोग आटा लेंगे। मैंने छोटा सा आटे का लोई लिया है, उसके बाद मैं इसको बेल रही हूँ। बेल के अब हम इसका गुजिया बनाएंगे। मैं 3 टाइप से गुजिया आपको बना के दिखाऊंगी, आपको जो भी मेथड इजी लगेगा आप उसको फॉलो करना। सबसे पहले मैं इसका जो साचा होता है उससे बनाना बता रही हूँ। गुजिया बनाने के लिए मैंने एक पतली सी रोटी बना ली है, उसके बाद मैंने ये मोल्ड लिया है साचा, उसको मैं घी लगा रही हूँ। घी लगाने से ये गुजिए की जो रोटी है उसमें नहीं चिपकेगी। उसके बाद मैं इसको रख रही हूँ साचे के ऊपर। ये जो मेथड है ये सबसे आसान है और मैक्सिमम लोग इसी को फॉलो करते हैं। उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ खोवा और ड्राई फ्रूट की स्टफिंग। स्टफिंग डालकर अब पानी से इसको हमें इस तरीके से गीला करना है ताकि ये जो आटा है, गुजिया है, अच्छे से चिपक जाए। अगर हम पानी नहीं लगाएंगे तो जब तेल में डालेंगे तो ये खुल जाएगा। उसके बाद इसको अच्छे से
पैक करके बंद करना है। बस ये गुजिया बनके रेडी है। इससे गुजिया दिखता भी बहुत अच्छा है और बहुत आसानी से बनता है, कम मेहनत में बनता है। अब ये गुजिया बनके रेडी है, मैं इसे निकाल के रख रही हूँ साइड में। इसी तरीके से मैं आपको एक और गुजिया बना के दिखा रही हूँ, उसमें सांचे की ज़रूरत नहीं है। अब फिर से मैं रोटी बना रही हूँ। रोटी बनाते समय हमें ध्यान रखना है, बीच में पतला नहीं करना है, साइड से पतला करना है और बीच में थोड़ा सा मोटा ही रहने देना है। अब ये भी रोटी बन गई है। यहाँ पे मैं आटे का यूज़ नहीं कर रही हूँ। आप चाहो तो आटा डालकर भी रोटी बना सकते हो, बट ये आटा इतना सॉफ्ट है कि इसमें घी या आटा लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब ये रोटी बन गया है, इसके अंदर भी मैं रख रही हूँ स्टफिंग। स्टफिंग ना ही बहुत कम रखना है ना ही बहुत ज़्यादा, जितना आटे मतलब रोटी में आ सके उतना ही हमको स्टफिंग रखना है। उसके बाद इसको भी हम लोग पानी से गीला करेंगे, गीला करके इसे पैक करेंगे। उसके बाद उंगली से इस तरीके से हल्के हाथों से प्रेस करके इसे हम लोग पैक करेंगे। आप चाहो तो इसको डायरेक्ट ऐसे भी फ्राई कर सकते हैं, या इस तरीके से फॉर्क लेकर या फिर जिसको काटा चम्मच बोलते हैं उसे इस तरीके से हम लोग दबाएंगे, तो इसका जो लुक है वो सांचे की तरह, जो गुजिया हमने सांचे में बनाया उस तरीके से दिखेगा और ये काफ़ी अच्छे से सिक्योर भी हो जाएगा। अब मैं इसको रख रही हूँ साइड में। अब मैं आपको एक और गुजिया बना के दिखा रही हूँ। इसको भी मैंने अच्छे से बेल लिया है, मतलब साइड से पतला और बीच में थोड़ा मोटा रखना है। उसके बाद इसमें हम लोग स्टफिंग रखते हैं। स्टफिंग रखने के बाद इसको भी पानी से चारों ओर गीला करके पैक कर लेंगे। पैक करने के बाद इसको हम लोग हाथ में ले लेंगे। हाथ में लेकर इस तरीके से किनारे से प्रेस करते हुए बाहर खींच के इसे अंदर दबाना है। एक बार बाहर खींचना है, फिर उसके बाद उसे प्रेस करना है। बस ऐसे ही जब तक कि पूरा इंड नहीं आता है तब तक हमें खींचते हुए इसे प्रेस करना है। ऐसे करने से इसका शेप बनके रेडी हो जाएगा और लुक वाइज ये बहुत सुंदर दिखता है। जनरली हम लोग जो मार्केट से ख़रीद के लेकर आते हैं उन गुजियों का शेप ऐसे ही रहता है। बस ये भी बनके रेडी है। मैं इसे भी रख रही हूँ साइड में। मैंने सारे गुजिये बना लिए, कुछ को मैंने हाथ से बनाए, कुछ को मैंने सांचे से बना लिए। बट मैं सांचे से बनाना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ क्योंकि वो बहुत आसान तरीके से बनता है और बहुत जल्दी बनता है। उसके बाद हल्के गीले कपड़े से इसे ढक के रखना है। अभी मैंने घी गर्म होने रख दिया है। घी जैसे गर्म हो गया उसके बाद इसमें हम लोग गुजिया डालेंगे। गुजिया हमें बहुत ज़्यादा एक साथ नहीं डालना है, उतना ही डालना जितना एक बार में आ सकता है। और गुजिया डालते समय घी या ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। मीडियम हाई फ्लेम पे इस तरीके से हल्के हाथों से पलटते हुए इन्हें फ्राई करना। अगर हाई फ्लेम पे फ्राई करेंगे तो ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे। और जब हम लोग गुजिया बनाते हैं उसके बाद हल्के गीले कपड़े से ढक के रखना ज़रूरी है, अदरवाइज़ ऊपर से ये सूख जाएंगे और जैसे हम लोग इसको घी या ऑयल में डालेंगे तो ये फटने के चांसेस रहते हैं। इसे ढक के रखो तो ज़्यादा अच्छा है। अब ऊपर नीचे पलटते हुए मैंने इनको अच्छे से फ्राई कर लिया। इनको फ्राई करने में अराउंड 7 से 8 मिनट का टाइम लगा है मीडियम हाई फ्लेम पे। अब ये फ्राई हो गए हैं, मैंने निकाल रही हूँ। निकाल के इसी तरीके से हम लोग सारे गुजिया को फ्राई करके रेडी कर लेंगे। अब सारा गुजिया बनके रेडी है, चाशनी भी रेडी है। गुजिये को हमें 2-3 मिनट तक ठंडा होने रख देना है और चाशनी अगर पूरी तरीके से ठंडा हो गया होगा तो उसे हल्का कुनकुना करना है। उसके बाद एक एक करके इसमें गुजिया डालेंगे। एक बार में जितनी गुजिया आती उतनी गुजिया डालकर इस तरीके से चाशनी में ऊपर नीचे करना है ताकि गुजिये में चाशनी अच्छे से लग जाए और पूरे गुजिये में चाशनी अच्छे से कोट हो जाए। उसके बाद इसे हम लोग 30 सेकंड के लिए ऐसे ही रहने देंगे। 30 सेकंड के बाद इस तरीके से होल वाले प्लेट पे या किसी छन्नी में हम लोग गुजिया को निकाल लेंगे ताकि जो एक्स्ट्रा चाशनी है वो निकल जाए। उसके बाद इसे 1 घंटे के लिए ऐसे खुला रख देंगे। आप चाहो तो गुजिया सिंपल ऐसे भी यूज़ कर सकते हो बिना चाशनी में डाले, और चाशनी में डालकर भी यूज़ कर सकते हो। दोनों का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। अब सारे गुजिया बनके रेडी है। 1 घंटे बाद आप देख सकते हैं गुजिया एकदम ड्राई है, बिल्कुल भी चिपचिपी नहीं लग रही है और ये एकदम क्रिस्पी भी है ऊपर से। और ये गुजिया इनको मैंने चाशनी में नहीं डाला है। दोनों गुजिया बनके रेडी है। मैंने निकाल रही हूँ सर्विंग प्लेट में। उसके बाद मैं इसको गार्निश करूँगी चॉप पिस्ता और रोज पेटल्स के साथ। अब आप भी ये शाही गुजिया ज़रूर बनाइए। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।